कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एग्री टॉपर्स एकेडमी में। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज का टॉपिक है इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। और बहुत बेहतरीन टॉपिक है और इसको गहराई तक ले जाकर हम लोग को पढ़ना है। और उनका अध्ययन में वैसे भी बहुत डिटेल में दिया है टॉपिक, और उसको जितना डेप्थ हो सकेगा उतना डेप्थ तक ले जाकर हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट सब जुड़ जाओ क्लास को, जितने बच्चे देख रहे हैं अभी शेयर कर दें और स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो अगर बात किया जाए क्या होता है सॉयल इरोजन, सबसे पहले तो क्या होता है सॉयल इरोजन, तो सॉयल इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉयल पार्टिकल्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच पार्टिकल बाई विंड एंड ओर वाटर। ठीक है, क्या मतलब है इसका जरा समझो। मैंने कहा सॉयल इरोजन क्या है, सॉयल इरोजन है एक प्रोसेस, ठीक है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जिसमें जो हमारा ये सॉयल है, ठीक है, ये सॉयल है। अब ये सॉयल एक जगह पर रह रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पेरेंट बॉडी है। जहां पर ये रह रही है वो इसकी क्या है, पेरेंट बॉडी है। ठीक है, ये अपनी पेरेंटल बॉडी में है। ठीक है, अब यहां से कुछ सॉयल के पार्टिकल्स क्या करें, मूव कर जाएं। सॉयल के पार्टिकल्स क्या करें, यहां से मूव कर जाएं और रिमूव होने के बाद क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन इनका हो, स्थानांतरण हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। यानी सॉयल पार्टिकल पेरेंट बॉडी से अलग होकर उनका जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन होगा किसके द्वारा, या तो वाटर द्वारा हो सकता है, या तो विंड द्वारा हो सकता है, या तो दोनों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे सॉयल इरोजन। क्लियर है, बात समझ में आई। सॉयल का इरोजन कैसे होगा, पहला तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें सॉयल के पेरेंट बॉडी से सॉयल के पार्टिकल रिमूव होकर उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वाटर और विंड या दोनों के माध्यम से ये ट्रांसपोर्टेशन सक्सेस होता है, और इसी को हम सॉयल इरोजन या मृदा क्षरण कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो रन ऑफ क्या है, तो कल की क्लास जिन्होंने देखा होगा, पिछली वाली क्लास, उसमें मैंने आपको रन ऑफ बताया था क्या होता है। मैंने रन ऑफ बताया था कि भाई साहब जब बारिश हो रही है, बरसात के बाद जो पानी यूज हो जा रहा है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाए उसका, चाहे उसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाए, चाहे उसका इंटरसेप्शन हो जाए, चाहे परकुलेशन हो जाए, चाहे इवेपोट्रांसपिरेशन में वो जो है लॉस हो जाए, उन सब के अलावा जो पानी अवशेष भूमि पर रह जाता है उसे हम लोग रन ऑफ कहते थे। तो रन ऑफ को हम क्या कहेंगे, पोर्शन ऑफ, एक क्या है, पोर्शन है प्रेसिपिटेशन का, यानी वर्षा का वह भाग, अगर समझा जाए तो कहेंगे वर्षा का वह भाग जो सॉयल द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। ठीक है, जो सॉयल द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है उसे क्या कह देंगे हम, रन ऑफ कह देंगे, अगर साधारण शब्दों में समझें, या अगर दूसरे शब्दों में हम समझें तो ये हमारा क्या है, रन ऑफ क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक्सेस वाटर है, अतिरिक्त जल है। ठीक है, अतिरिक्त जल है, एक प्रकार का क्या है, एक्सेस वाटर है, फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन दैट मूव आउट ऑफ फील्ड एंड फाइंड इट्स वे टू रिवर, लेक्स एंड ओशियन। ठीक है, जो क्या करेगा भाई, अब पानी देखो खेत है ये हमारा, गुड इवनिंग काजल, ये हमारा क्या है, ये हमारा खेत है। ठीक है, अब इस खेत में मैंने बताया था सॉयल पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब इन सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोर स्पेस कहते हैं। इन पोर स्पेस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो एयर हो सकता है या तो वाटर हो सकता है। जब समझो कि जितने भी पोर स्पेस हैं वो 100% क्या हो जाए, वाटर से फिल हो जाए। ठीक है, यानी अब उसमें कोई भी पोर स्पेस खाली नहीं है, तो जो पानी उसके बाद बरसेगा वो क्या रहेगा, सतह पर भरा रहेगा, और वही हमारा क्या कहलाता है, रन ऑफ कहलाता है। और इन्होंने रन ऑफ को परिभाषित करने के लिए एक फार्मूले के तौर पर इन्होंने व्यक्त किया है, जरा मैं वो बता देता हूं आपको। इन्होंने फार्मूले में क्या बताया, गुड इवनिंग प्रियदर्शनी, काजल मेरा हॉर्टिकल्चर से एमएससी है, तो नेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कुछ आइडिया बताएं। हॉर्टिकल्चर में किस सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है,
फिर मैं बुक्स वगैरह आपको बस सजेस्ट कर सकता हूँ, उसके बाद तैयारी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और ज्यादा ज्यादा आप ऐसा हो सकता है कि टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप टेस्ट सॉल्व कर लें। वॉल्यूम टू नहीं समझ आता है वो कब पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर यूरिया जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग वॉल्यूम टू की ओर मूव करेंगे। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो समझने में बहुत कठिनाई होती है, तो जब वॉल्यूम वन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग तब हम लोग वॉल्यूम टू की ओर मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, रनाफ की इन्होंने एक डिफिनीशन बनाई, क्या बताया, रनाफ की एक डिफिनीशन बनाई फ्रूट साइंस। ठीक है, मैं उसका जो बुक लिस्ट होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जो है उससे तैयारी कर पाएंगी। कल मैं इसके लिए आपको फ्रूट साइंस में जो भी जरूरी होगा, कल क्लास आप में आप रहिएगा, कल क्लास में मैं आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा जो जो फ्रूट साइंस में नेट के लिए बेहतर रहेगी। ठीक है, चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रनाफ का मतलब क्या है, तो मैंने कहा रेनफॉल यानी जो वर्षा हो रही है। ठीक है, उसमें से वर्षा में से हम घटा देंगे क्या, कितना पानी, पहला घटा देंगे इनफिल्ट्रेशन, क्या घटा देंगे इनफिल्ट्रेशन, और क्या घटा देंगे इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन घटा देंगे, इंटरसेप्शन घटा देंगे, और क्या घटा देंगे सरफेस स्टोरेज, सरफेस पे जो स्टोर हो जा रहा है वो भी घटा देंगे, सरफेस का जो पानी हमने स्टोरेज में रख दिया है उसको भी घटा देंगे, और सरफेस टेंशन भी घटा देंगे। ठीक है, सरफेस स्टोरेज के बाद सरफेस डिटेंशन घटा देंगे, सरफेस डिटेंशन। ठीक है, अब समझो इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक एक शब्द को हम समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी अभी प्रियदर्शनी एक एक चीज को क्लियर करते हैं। तो पहला हमने कहा इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि भाई साहब ये पानी की सतह है। ठीक है, ये पानी की सतह है और पानी जैसे ऊपर बरसा, ठीक है ऊपर बरसा, यहां पर सतह के ऊपर पानी है, उसने क्या किया एंट्री किया यानी भूमि के अंदर उसने एंट्री किया। ठीक है, इसका मतलब इसकी परिभाषा में हम क्या कहेंगे, एंट्री ऑफ, क्या कहेंगे एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉयल, या फिर ऐसे कह सकते हैं एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर ले ऑफ द सॉयल। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे पानी की एंट्री हो रही है, या ऐसे कह सकते हो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉयल। ठीक है, और ये हमेशा कब होगा, जब नीचे क्या होगा पोर स्पेस सारे फुल नहीं हुए होंगे, ऐसी मृदा क्या कहलाती है जिसके सारे पोर स्पेस फुल ना हुए हो, यानी मिट्टी हमारी इसके लिए पहले तो होना चाहिए असंतृप्त मृदा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए असंतृप्त होना चाहिए। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉयल होनी चाहिए, अनसेचुरेटेड सॉयल में जब पानी एंटर करता है, एंटर करने को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, और मान लो पानी अंदर ही भरा हुआ है, पानी अंदर ही भरा हुआ है और वो और नीचे की ओर मूव करे, इसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इसे कहेंगे परकोलेशन, यानी पानी सतह के ऊपर था और अंदर गया तो ये हो गया इनफिल्ट्रेशन, और पानी सतह के अंदर ही था और डीप चला गया तो उसे कहते हैं परकोलेशन। ये आपको क्लियर हो गया। तो पहला हमने कहा इनफिल्ट्रेशन, हमारा जो पानी बरसा, बरसने के बाद जो जमीन के भीतर चला गया उसको हम बाहर कर दिए। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर बात करें इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन का मतलब होता है, इंटरसेप्शन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, इंटरसेप्शन का मतलब होता है मान लो बरसात हुई है, ठीक है ये हुई हमारा, ये हमारा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है ये पेड़ पौधे हैं, यहां पर काफी इन्वायरमेंट है, काफी इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब बरसात होने के बाद कुछ पानी क्या होता है, यहां पत्तियों पर रह जाएगा, मान लो ये बरसात हुई और कुछ पानी जो है सतह तक पहुंचा ही नहीं, ये सतह है। ठीक है, पानी कुछ पत्तियों पर पेड़ों पर लटका रह गया, ठीक है और वहीं से इवेपोरेट हो गया। ठीक है, पानी पत्तियों पर रहा वहीं से इवेपोरेट हो गया, या फिर इन्वायरमेंट के द्वारा हीट की वजह से अब्जॉर्ब कर लिया गया, वहीं पर ऊपर बरसात हुई और नीचे पहुंचा ही नहीं, ये सारा हमारा आ जाएगा इंटरसेप्शन में। किसमें आ जाएगा ये पोर्शन, ये आ जाएगा इंटरसेप्शन में, किसमें आ जाएगा इंटरसेप्शन में आ जाएगा। सर आप प्लीज वॉल्यूम टू करवाइए, सर क्लास दीजिए प्लीज एफओ के एग्जाम से पहले ताकि खत्म हो जाए। मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन पहले अब इसको कंप्लीट कर लिया जाए, बीच में छोड़ना भी ठीक नहीं रहेगा अनु, मैं फर्स्ट इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। एफओ आपका होगा जनवरी में मेंस ना, तब तक मैं दोनों निपटा दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहें। दिसंबर जनवरी, जनवरी लास्ट तक मैं दोनों निपटाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जनवरी लास्ट तक खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट वॉल्यूम मैं 40-45 क्लास में आराम से कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद हम लोग सेकेंड वॉल्यूम पर मूव करेंगे। ठीक है,
मेरी कोशिश यही है। चलो इंटरसेप्शन आपको समझ में आ गया। इसके बाद सरफेस स्टोरेज क्या है। सरफेस स्टोरेज जैसे हमारा कहीं सरफेस पर हमने पॉन्ड वगैरह बना रखा है, छोटे मोटे जो स्टोरेज बैकग्राउंड हम लोग बना रखते हैं, उसकी बात हम लोग करते हैं सरफेस स्टोरेज में। और सरफेस डिटेंशन क्या है भाई। सरफेस डिटेंशन क्या होता है, मान लो ये हमारी सतह है और सतह हमारी क्या कर रही है, यह डिटेंशन का मतलब रोकना, तो सतह की कठोरता जो हमारी है ये पानी को भीतर जाने नहीं दे रही है, ठीक है। इसकी वजह से जो है जो रन ऑफ में हमारी कमी आ जाती है, इसकी वजह से हमारा जो सरफेस डिटेंशन है, इसकी वजह से हमारा वाटर का लॉस होता है, वो हमारा जो है रन ऑफ में काउंट नहीं होता। यानी जितनी बरसात हुई उसमें से हम इन्फिल्ट्रेशन घटाएंगे, इंटरसेप्शन घटाएंगे, सरफेस स्टोरेज घटा देंगे और सरफेस डिटेंशन घटा देंगे। ये सारी चीजें जब हम बाहर कर देंगे, बचा हुआ पानी जो सतह पर तैरता हुआ नजर आएगा हमको, उसे हम कह देंगे क्या, रन ऑफ। क्लियर है। चलो चलो इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा यहां तक समझ में आ गया, यहां तक हमने ये आपको फार्मूला समझा दिया, रन ऑफ क्या होता है ये डिटेल में आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें रन ऑफ, या नीचे रन ऑफ की परिभाषा ही लिखी है, रन ऑफ की परिभाषा लिखी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम मूव करें, हाँ फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर हम बात करें तो देखो भाई साहब, क्लाइमेट तो प्रभावित करता ही है, जलवायु प्रभावित करती ही है, ठीक है, जलवायु प्रभावित करती ही है। अब जलवायु में कौन कौन सा है, पहला तो रेनफॉल। अरे यार रनऑफ में सीधा संबंध तो रेनफॉल से है ही है, ठीक है। नेमरा सुंडा भी पढ़ाएंगे सर आप, नेमरा सुंडा यहां पर चली रही है पहले से, बिगनर्स वाले कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन। सर अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लग रहा है मैं बिगिनिंग से ही अपर लेवल पे ले जा रहा हूं रेणुका, तो आप यहां से अगर क्लास स्टार्ट करती हो तो आपको बहुत फायदा करेगा ये, ठीक है। क्योंकि पहली किताब जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाह रही हो, तो अरुण कात्यायन ही सबसे बेस्ट किताब है जो आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग कर देगा। उसके बाद आप नेमरा सुंडा को पढ़कर अपना जो फैक्ट है उसको और स्ट्रांग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिगिनिंग में तैयारी करना चाह रही हो तो आपके लिए नेमरा सुंडा, सॉरी अरुण कात्यायन सबसे बेहतर किताब है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं तो फैक्ट्स क्लियर करने में समस्याएं आपके सामने कभी नहीं आएंगी। तो आप बेहतर होगा जब मैं पढ़ाता हूं अपने साथ एक बुक लेकर बैठा करें, ठीक है, जो भी आपकी अरुण कात्यायन की बुक है उसको लेकर बैठा करें, और उसको लेकर बैठा करें तो साथ में एक काम किया करें कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं जो आपकी किताब में नहीं होती हैं, तो कोशिश करा करें कि उसी बुक पर छोटा छोटा कई जगह पर नोट कर लिया करें, ठीक है। तो वो आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा, जब आप दोबारा बुक को पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मिल जाएंगी और आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए एक क्वेश्चन था, NFL का फॉर्म फिल कर रहा हूं, मार्केटिंग में गाइड कर सकते हैं क्या, ठीक है मैं एकदम गाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ना, हाँ ठीक है, उसका सिलेबस कुछ ऐसा ही है, थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी वो आपको खुद प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, और अगर आपको मैथ रीजनिंग भी उसमें शायद आता है ना, तो थोड़ा बहुत वो अपना स्ट्रांग करिएगा। एग्रीकल्चर में मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी, सेकेंड में हूँ, थैंक यू, ठीक ठीक बहुत बढ़िया, ठीक है। अरुण कात्यायन आपको पढ़ना है, जो बुक मैं पढ़ा रहा हूँ वही बुक आपको पढ़नी है, अरुण कात्यायन, ये अरुण कात्यायन का वॉल्यूम 1 मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 वॉल्यूम में बुक आती ही है, ठीक है। तो मैंने कहा क्लाइमेटिक फैक्टर की अगर मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा था रन ऑफ को प्रभावित करने में रेनफॉल सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। रेनफॉल में क्या इफेक्ट करेगा जरा समझो, मैं नया पेज लेकर समझाता हूं तभी आप लोग थोड़ा सा बेहतर समझ पाते हो। तो मैंने कहा किसको, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला मैंने जो कहा वो मैंने क्या कहा, पहला कारक है क्लाइमेट, पहला कारक है क्लाइमेट, और क्लाइमेट में फर्स्ट मैंने जो बताया है वो है रेनफॉल, ठीक है। रेनफॉल का क्या प्रभावित करेगा, तो भाई साहब रेनफॉल में कितनी मात्रा में हो रही है वर्षा, ठीक है। रेनफॉल में पहला क्या, अमाउंट क्या है, मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में बरसात हो रही है। ज्यादा वर्षा होगी तो ज्यादा रन ऑफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। वर्षा की तीव्रता कितनी है, यानी इंटेंसिटी क्या है, वर्षा की तीव्रता कितनी है। इसके बाद ड्यूरेशन, यानी कितने समय तक लगातार वर्षा हो रही है, ठीक है, समय क्या है। इसके बाद वर्षा कितने बड़े क्षेत्र पर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बड़े क्षेत्र पर अगर वर्षा होती, ज्यादा बड़े क्षेत्र पर वर्षा होगी तो वहां पर क्या होगा, रन ऑफ बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेकंड हमारा स्नोफॉल, जो हमारी बर्फ वगैरह भी गिरती है, स्नोफॉल होता है, वो भी हमारा जो है इसको प्रभावित करेगा रन ऑफ को। इसके बाद तीसरा हमारा जो है, थर्ड जो हमारा है ये होता है इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन यानी वाटर का लॉस, जो हमारा एनवायरनमेंट के द्वारा वाटर दोबारा खींच लिया जाता है, उसे इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ईटी हमारा जो है जितना ज्यादा होगा उतना रनऑफ कम होता जाएगा, ठीक है। ईटी देखो, रेनफॉल अगर ज्यादा होती है तो रनऑफ बढ़ता है, स्नोफॉल अगर ज्यादा होता है तो रनऑफ बढ़ता है, लेकिन इवेपोट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा होगा तो रनऑफ क्या हो जाएगा, रनऑफ हमारा यहां पर कम हो जाएगा। क्लियर।
चलो, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमारा क्लाइमेट के बाद दूसरा पॉइंट होता है वो होता है फिजियोग्राफिक फैक्टर। दूसरा हमारा क्या हो सकता है? फिजियोग्राफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर। अगर मैं बात करूं फिजियोग्राफिक फैक्टर की, तो जरा देखो फिजियोग्राफिक फैक्टर में क्या क्या आएगा। फिजियोग्राफिक फैक्टर में हमारा आ सकता है वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो हमारा जल संभर क्षेत्र हमने बताया था, पहला हमने बताया था वाटरशेड का मतलब क्या, मैंने बताया था जितने क्षेत्र से पानी इकट्ठा हो रहा है। जैसे मान लो ये हमारी एक नदी है, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जहां से पानी ये लेकर आ रही है, ठीक है। तो इसका वाटरशेड क्या होगा, ये पूरा एरिया इसका क्या हो जाएगा, वाटरशेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटरशेड हो जाएगा। तो वाटरशेड का जो हमारा क्या है, आकार कैसा है वाटरशेड का, वहां पर मिट्टी की सॉयल की ट्रोपोग्राफी कैसी है, सॉयल का प्रकार कैसा है, वहां की जियोलॉजी कैसी है, विजिटेशन कवर कैसा है, ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी, ठीक है। और यहां पर जो जो वाटरशेड का साइज है, स्लोप है, ढाल वगैरह भी प्रभावित करता है। ये सारी चीजें जो है रन ऑफ को प्रभावित करती हैं। इसके बाद ये हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, फिजियोग्राफिक फैक्टर हो गया। और तीसरा हमारा जो होता है जियोलॉजिकल फैक्टर, यानी भूमि से संबंधित जितनी चीजें होंगी, इसमें हमारा सॉयल भी आ जाएगा, ठीक है। सॉयल का स्ट्रक्चर कैसा है, सॉयल में पोरोसिटी कितनी है, सॉयल में परमेबिलिटी कितनी है, यानी पानी को अंदर जाने देने की क्षमता कितनी है, पानी इकट्ठा करने की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉयल की कितनी, ये सारी चीजें हमारी जियोलॉजिकल फैक्टर में आएंगी, जो रन ऑफ को प्रभावित करती हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे मूव करता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं सॉयल लॉश इक्वेशन। क्या कहते हैं? सॉयल लॉश इक्वेशन कहते हैं। चलो ये हमने कंप्लीट कर लिया, यहां पर जियोलॉजिकल फैक्टर सारे पढ़ा दिए। हाँ, अब हम आते हैं सॉयल लॉश इक्वेशन ड्यू टू द वाटर इरोजन। अच्छा, तो जब मैं वाटर इरोजन की बात करता हूं, पानी से होने वाले इरोजन की बात करता हूं, वाटरशेड एंड कैचमेंट एरिया में क्या डिफरेंस है? एग्रीकल्चर कल की क्लास में, शायद पिछली क्लास में आप नहीं थे, मैंने बताया था वाटरशेड और कैचमेंट एरिया में बस छोटा सा अंतर है साइज का। वाटरशेड हमारा छोटे साइज का होता है और कैचमेंट एरिया बहुत बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। इसलिए जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और उनकी ट्राइब्यूटरीज जहां से पानी कलेक्ट करती हैं, उसे हम कैचमेंट एरिया के तौर पर संदर्भित करते हैं, जबकि वाटरशेड हमारा छोटा स्मॉल एरिया होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं सॉयल लॉस इक्वेशन की, मैं बात करता हूं, अगर सॉयल लॉस इक्वेशन, सॉयल लॉस इक्वेशन की मैं अगर बात करूं, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन, यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। ये ए से संदर्भित करते हैं, यूएस का मॉडल है ये, यूएसएलए, यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन। ये हमको बताता है कि भाई साहब जो हमारा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, यूएसएलए हमको क्या बताता है, यूएसएलए हमको बताता है कि भाई सर जो हमारा वाटर लॉस हो रहा है कैसे हो रहा है, किस इक्वेशन के आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि कितना ज्यादा हमारा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला दिया गया, यूएसएलए का फार्मूला क्या है, वो भी किससे हो रहा है, वाटर इरोजन की बात कर रही है। किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर इरोजन की, वाटर से होने वाले इरोजन को हम लोग इससे समझेंगे, यूएसएलए से। फार्मूला क्या है? फार्मूला इन्होंने कहा, फार्मूला कुछ नहीं भाई साहब, ए बराबर आर के एल एस सी पी है। क्या है? ए बराबर आर के एल एस सी पी। इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है तो याद रखना, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आप लोग। इसमें दो चीजों का मतलब पूछा जाता है, हालांकि मैं बताऊंगा सबका, जैसे हर चीज का मैं मतलब यहां दिखा देता हूं आपको। ए हमारा क्या है जो यहां सामने लेकर चले, ए, तो ए क्या है, ये हमारा है प्रिडिक्टेड सॉयल लॉस टन पर एकड़ पर ईयर, यानी कितने टन पर एकड़ में एक साल के अंदर लॉस हो जा रहा है, ये हमारा एरिया बताता है ए, ठीक है। ए क्या संदर्भित कर रहा है? एरिया को। आर हमारा बता रहा है रेनफॉल एंड रन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। के हमारा बता रहा है सॉयल इरोडिबिलिटी, एल हमारा स्लोप ऑफ लैंड, स्लोप एंड लेंथ की बात करता है, स्लोप ग्रेडियंट या स्टीपनेस की बात करता है हमारा एस, और सी हमारा बात करता है सॉयल कवर की, और पी हमारा बात करता है जो हमारे इरोजन कंट्रोल करने के लिए जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनकी, ठीक है। ए बराबर आर के एल एस सी पी। समझ में आया? ए मैंने क्या कहा? ए हमने कहा कि भाई साहब एरिया है, सीधे सीधे ए क्या है? एरिया है। एरिया का मतलब है कितने कितने टन का लॉस हो रहा है एक एकड़ में प्रतिवर्ष, ठीक है। एरिया को हम संदर्भित किस में कितने करेंगे, एरिया का मतलब कितनी मात्रा में हो रहा है, ठीक है। अमाउंट, सॉरी अमाउंट यहां कह सकते हैं, एरिया नहीं, अमाउंट, अमाउंट अमाउंट है, कितनी मात्रा में हो रहा है, कितने टन, मान लो 10 टन एक एकड़ में एक साल में हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, कितना अमाउंट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आर हमारा, आर हमने कहा रेनफॉल है, आर हमने कहा रेनफॉल, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे रेनफॉल नहीं आता है,
आर को रेनफॉल तो हम कहेंगे ही, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन में हमेशा जो शब्द आता है वो आता है एक शब्द इरोजिविटी। क्या आता है? आर किसे डिनोट करता है? इरोजिविटी को डिनोट करता है। इरोजिविटी को डिनोट करता है। आप कहोगे इरोजिविटी क्या है? यानी इरोजन करने की, पानी के इरोजन करने की क्षमता। ठीक है, क्या? पानी के इरोजन करने की क्षमता। ठीक है, अच्छा। इसके बाद के हमारा जो डिनोट करता है, के हमारा डिनोट करता है इरोडिबिलिटी को। वो इरोजिविटी को, ये इरोडिबिलिटी को। इरोडिबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है क्या? इरोडिबिलिटी का मतलब देखो, अगर समझोगे तो होता है क्षरणात्मक कारक, मृदा के क्षरणात्मक कारक, यानी सॉयल के जो हमारे, देखो यहां पर अगर समझो इसका मतलब क्या है, सॉयल के फैक्टर जो क्या करते हो, मृदा कटाव को रोकते हो, मृदा कटाव को रोकते हो, ये हमारा हो जाएगा इरोडिबिलिटी में। ठीक है, ए बराबर आर के एल, एल का मतलब भाई साहब यहां पर भूमि का जितना भी प्रकार होगा, ढाल, ढाल हमारी यहां पर हो जाएगा लैंड स्लोप, ढाल की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ स्लोप, यानी ढाल की लंबाई कितनी है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ढाल है कितनी, एस पार हो जाएगा स्लोप, यहां यहां हो गया लेंथ ऑफ स्लोप, यहां हो गया स्लोप। ठीक है, और सी हमारा क्या होता है, सी हमारा होता है भाई साहब मृदा के ऊपर जो सॉयल का कवर लगा है, यानी हमने कितनी यहां पर वेजिटेशन उगाई है। सी हमारा किसे दर्शाएगा, सी दर्शाएगा कि अच्छा पेड़ पौधे लगे हैं कि नहीं, अगर किसी सॉयल पे पेड़ पौधे लगे होंगे तो इरोजन नहीं हो पाएगा। और पी में हमारे आ जाएंगी प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, यानी हमने मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कितनी व्यवस्थाएं की है। क्लास के अंत में एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए टेस्ट सीरीज चंद्रा चल रही है, समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये खत्म नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा चलेगा। वैसे भी मैं अगर डिटेल में जाता हूं तो देख ही रहे हो कि एक क्लास में हम लोग कितना पढ़ ही पाते हैं। अगर मैं फिर इसके बाद अगर इसको मैंने स्टार्ट कर दिया एमसीक्यूज लेना तो बहुत समस्या हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक्टिव सॉइल इरोजन कितना हो रहा है, तो देखो भाई साहब एक्टिव सॉइल इरोजन हो कितना रहा है इस समय, अगर देखा जाए तो एक्टिव सॉइल इरोजन जो हमारा हो रहा है वाटर और विंड दोनों को मिलाकर, अगर मैं बात करूं वाटर और विंड दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो रहा है, मैंने कहा 140 मिलियन हेक्टेयर हमारी जमीन अगर हमारे पास है, 140 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास भूमि है। ठीक है, भूमि है मैंने कहा इतनी। ठीक है, इसमें से 6000 मिलियन टन क्या हो जा रहा है, सॉयल, फर्टाइल सॉयल का लॉस हो जा रहा है हर साल, फर्टाइल सॉयल का लॉस हो जा रहा है। दूसरा क्या हो जा रहा है, कम से कम 5.53 मिलियन टन एनपीके का लॉस हो जा रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर पृथक करके बात करूं, अगर मैं पृथक करके बात करूं तो जरा इस डाटा को आप लोग लिख लेना है, शायद आपकी किताब में ना लिखा हो। ठीक है, तो मैं कहता हूं भारत में, ठीक है, भारत में अगर देखोगे 60 लाख टन क्या है, देखो भारत में लगभग 60 लाख टन नाइट्रोजन, 7 लाख टन नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए 60 लाख टन ही फास्फोरस, 60 लाख टन फास्फोरस, और साथ ही लगभग 100 लाख टन पोटेशियम, कितना, 100 लाख टन पोटेशियम, और भाई साहब कम से कम जो है 100 लाख टन ही कैल्शियम। ठीक है, 100 लाख टन ही कैल्शियम इनका लॉस हो रहा है, और इन सब के लॉस को अगर पैसे में हम काउंट करें तो लगभग 10,000 करोड़ का लगभग हमको सालाना लॉस हो जा रहा है, 10,000 करोड़ का क्या है, नुकसान हो जा रहा है, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जा रहा है हमको एक साल के भीतर। ठीक है, ये हमारा जो है एक डाटा है जिसे आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, समझो जरा बालक, सॉयल लॉस इक्वेशन भी है, वो तो था वाटर के लिए, ये होता है विंड के लिए, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी देख लो, ये होता है ई बराबर आई आर के एफ सी डब्ल्यू डी बी। ठीक है, इसमें बस आपको इतना पता रहे ई हमारा क्या है, सॉयल लॉस इक्वेशन बाय विंड इरोजन, आई का दर्शा रहा है सॉयल का क्लॉडीनेस, सॉयल आपस में एक दूसरे को कितना इंटीग्रेट करके रखी, कितना पकड़ के रखी, ये होता है उसका क्लॉडीनेस।
सरफेस कवर फैक्टर, सरफेस कवर क्या है, उसके ऊपर कुछ लगाए हो या आप नहीं लगाए हो, सरफेस रफनेस, ज्यादा रफ सरफेस जब होती है तो इरोजन ज्यादा होगा, सॉइल टेक्सचर क्लासेस उस वहां पर कैसी है, टेक्सचर कौन सा है, सैंड होगा तो ज्यादा होगा, क्ले होगा तो कम होगा, वहां पर लोकल विंड कैसी है, ठीक है, फील्ड विद और जो हमारा खेत है उसकी चौड़ाई कितनी है, विंड का डायरेक्शन किस तरफ है और विंड बैरियर हमने वहां पर कोई लगाया है अगर तो, ठीक है, ये हमारे विंड इरोजन को प्रभावित करने वाले सारे कारक एक साथ आपके हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अगर बात करें विंड इरोजन कंट्रोल मेजर्स, अच्छा विंड इरोजन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो दो चीजें आप सिर्फ कर सकते हो, इसी में देखो आपको विंड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखो यहां पर सॉयल लॉस, यहां देखो सॉयल का क्लॉडिनेस यानी मृदा का प्रकार है, सरफेस कवर यह हमारा मृदा का प्रकार है, ठीक है। यहां पर अगर हमको इसे कंट्रोल करना है तो हम दो चीजें कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, या तो हम क्या करेंगे, पहला काम हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर हमको विंड के इरोजन को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, पहला तो विंड के वेग को यानी विंड की वेलोसिटी को ही कम कर दें, दूसरा काम क्या कर सकते हैं यहां पर हम सॉयल का जो हमारा कैरेक्टर है उसे बदल सकते हैं, सॉयल का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये दो काम हम करके ही जो है जो इरोजन हमारा हो रहा है किससे, विंड से, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद बात करें सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स की, सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स की अगर बात करें तो सॉयल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉयल कंजर्वेशन तो कहने सॉयल कंजर्वेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम सॉयल लॉस को कम करने का प्रयास करते हैं, जो हमारा सॉयल का इरोजन होता है उसे कम करने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए बहुत अलग अलग तरीके की हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं जो इसमें लिखी गई है, जो आपके काम की है भी नहीं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सीधे सीधे कि सॉयल लॉस मेजर करते कितने प्रकार से हैं, तो हम कहेंगे तीन प्रकार से हम लोग सॉयल लॉस को मेजर करते हैं, कौन कौन से प्रकार है जरा देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सॉयल कंजर्वेशन कितने हैं, तीन है हमारे, पहला लैंड यूज्ड बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी, कह रहा भूमि का वैसे उपयोग करो जैसी भूमि की क्षमता हो, ठीक है, जमीन का वैसा उपयोग करेंगे जैसी भूमि का क्या होगी, क्षमता होगी, कंजर्वेशन ऑफ सॉयल एंड मॉइस्चर टू अवॉइड डैमेज टू द सॉयल, क्या करेंगे सॉयल और मॉइस्चर को कंजर्व करेंगे जो हमारे मिट्टी को डैमेज कर सकती है उस लेवल तक, ठीक है। यूज ऑफ बेस्ट सॉयल क्रॉप मैनेजमेंट, हम क्या करेंगे एक बेहतर क्रॉप मैनेजमेंट को अपना लेंगे, एसिडिक और एल्केलिनिटी सॉयल को सुधारेंगे और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक तरीका था जिससे हम सॉयल लॉस को कम कर सकते हैं सॉयल कंजर्वेशन के जरिए, ठीक है। लैंड, अच्छा पहला हमने पॉइंट जो बताया वो क्या बताया है, लैंड यूज्ड बेस्ड ऑन इट्स कैपेबिलिटी, पहली बात मैंने बताई है, अब हमको पहले इस पे ही फोकस करना है कि भाई सब जमीन का वैसा उपयोग जैसी उसकी क्षमता है, अब भाई आपकी अगर क्षमता से इतर आपसे काम कराया जाएगा तो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला मैंने कहा, पहली बात जो मैंने कही वो क्या कही, मैंने कही कि भाई साहब देखो ऐसा है कि पहला काम ये करो कि भूमि के अंतर्निहित जितने भी उसके गुण हैं, ठीक है, जो उसकी भूमि की क्षमता है, तो भूमि की क्षमता के अनुसार काम लेना, भूमि की क्षमता अनुसार उस पर खेती करनी है हमको, जैसी उसकी क्षमता होगी उस हिसाब से उस पर खेती करनी है हमको, ठीक है। पहला तो यही हो गया, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे फसल प्रबंधन करेंगे वहां पर, उसी के हिसाब से क्रॉप रोटेशन सारी चीजें अपनाएंगे, ठीक है। अच्छा तो अगर मैं बात करूं जो हमारा पहला फैक्टर है लैंड यूज बेस्ड ऑन इट्स सुटेबिलिटी, तो इसके लिए कैपेबिलिटी, तो इसके लिए बनाई गई लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, भूमि को कैपेबल करने के लिए क्लासेस बांटी गई, ठीक है। और ये टोटल जो है लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस कितनी बांट दी गई, 8 क्लासेस बना दी गई, जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं, भूमि क्षमता अनुसार उस पर खेती करनी है, इसके लिए बनाया गया क्या, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस में बांटा गया, क्या बनाया गया, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस में बांटा गया, ठीक है। और टोटल कितनी क्लासेस में बांटा गया, तो मैंने कहा 8 क्लास में हमने बांटा है इसको, और दो प्रमुख प्रकारों में इन 8 क्लासेस को हमने डिवाइड कर दिया, एक को हमने कहा कि भाई साहब एक ऐसी होंगी जहां पर हम क्या करेंगे कृषि योग्य यानी लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, क्या हमने कहा, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, और दूसरा हमने कहा लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, हमने कहा इन दोनों में हम क्या रखेंगे, 4 क्लासेस में रखेंगे, और 4 क्लासेस में रखेंगे, टोटल कितनी हो गई, 8 क्लासेस मैंने बताया था,
चार क्लास इसमें चार क्लास उसमें, और नाम भी इनका कुछ रखने में हमने कहा जद्दोजहद नहीं करते हैं, नाम रखने में होगी दिक्कत, तो हमने कहा आठ क्लासेस जो होंगी उन्हें हम ऐसे कह देंगे, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, आगे हमने कहा कि क्लास फिफ्थ, क्लास सिक्स, क्लास सेवेंथ और क्लास एट्थ, हम ऐसे इनका नाम रख दिए। ठीक है, अब हमने कहा शुरुआत वाली जो चार क्लासेस हैं ये हमारी क्या हैं, ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती है, यहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता है। ठीक है, ये हमारी जो है कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते हो, कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। तो हमने आठ क्लासेस में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए कैपिटेबल है। और अगर आपसे पूछ ले यहीं पर कि अगर आपसे कह दे कि बस अब हमको रेगुलर कल्टीवेशन अगर करना है, लगातार अगर खेती करनी है रेगुलर कल्टीवेशन के लिए, तो ऊपर वाली तीन ही बेहतर होंगी। हमने कहा रेगुलर कल्टीवेशन के लिए तो ऊपर वाली तीन ही बेहतर है, रेगुलर कल्टीवेशन के लिए ऊपर वाली तीन बेहतर है। ठीक है, रेगुलर कल्टीवेशन के लिए क्या है, ऊपर वाली तीन क्लासेस बेहतर है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेहतर है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ हमारी जो है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ जो हमारी है, ये कल्टीवेशन के लिए फोर्थ टू एट्थ चार क्लासेस तो कल्टीवेशन के लिए एकदम बेकार है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारी एग्रीकल्चर हो सकती है, लेकिन अगर आपसे पूछे रेगुलर कल्टीवेशन के लिए तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज बेस्ट। ठीक है, यूज्ड ओनली इंग्लिश, उसके लिए अलग से क्लास चलेगी संजीत सरनजीत जो है एकदम जो अच्छा। इसमें जो क्लासेस हैं, पहली बात तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है सॉइल कलर। ठीक है, इनको हर एक क्लास को एक कलर सेट किया गया है। ठीक है, प्रत्येक क्लास का एक हमने कहा एक कलर होगा और उस कलर को आपसे पूछा जाता है, तो मैं आपको वही याद कराने का प्रयास करता हूं जरा सा, समझो आठ क्लासेस का कलर थोड़ा सा आपको याद कराने का मैं प्रयास करता हूं, जिससे आप एक क्वेश्चन कभी कभार इससे आता है जिसे आप ना गलत करो इसके लिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा देख लो जरा, एक फार्मूला थोड़ा सा आप फोकस कर लो इधर, तो आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा किस में कौन सा कलर पाया जाता है। थोड़ा सा आप याद करो बस एक लाइन, क्या मैंने कहा, लव गुरु ये लाल नीली, लव गुरु ये लाल नीली को देखेंगे और ब्राउन गर्ल को प्रपोज करेंगे। इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हो तो आपका काम इसमें आठों क्लासेस का चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, लव गुरु ये लाल नीली को देखेंगे और ब्राउन गर्ल को प्रपोज करेंगे। आठ क्लासेस आठ लैंग्वेज, समझो जरा मैंने क्या कहा पहले, यहां समझते चलो, अब एक एक पॉइंट को मैं ड्रॉ करता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। मैंने यहाँ क्या कहा, लव गुरु, क्या कहा, लव गुरु, फिर मैंने कहा ये क्या कहा, लाल, लाल मतलब रेड। ठीक है, लाल और नीली यानी ब्लू, लाल नीली को देखेंगे यानी डीजी मान लो यहाँ पर। ठीक है, लव गुरु ये लाल नीली को देखेंगे और किसको प्रपोज करेंगे, ब्राउन को प्रपोज करेंगे, मैंने कहा प्रपोज करेंगे। आठ क्लासेस का आठ रंग आपको क्रम से याद हो जाएगा। एलजी मतलब मैंने लव गुरु मतलब कहा, इसका मतलब है एलजी, एलजी मतलब लाइट ग्रीन, क्या है, फर्स्ट क्लास का कलर कैसा होगा, लाइट ग्रीन होगा। ए मतलब येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्लू येलो, फिर मैंने रेड एंड ब्लू तो कह ही दिया था, रेड तो रेड है ही है, ब्लू तो ब्लू है ही है। ठीक है, तो पहला हो गया लाइट ग्रीन, सेकंड का हो गया येलो, थर्ड का हो गया रेड, थर्ड फोर्थ का हो गया ब्लू। डीजी यहां पर देखेंगे, मैंने यहां क्या शब्द कहा था, देखेंगे, देखेंगे मतलब मैंने कहा डीजी, डीजी मतलब भाई साहब ये हो जाएगा डार्क ग्रीन, क्या हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा था और मतलब हो जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज यहां मैंने कहा ब्राउन को, यानी ब्राउन तो है ही है, प्रपोज मतलब हो जाएगा यहां पर पर्पल, क्या हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। ये आठ क्लासेस हैं, आप बेहतर तरीके से थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो याद कर लेंगे और ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं ये क्वेश्चन, जो हमारे लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस हैं उनके जो कलर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, सबका याद करना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है ना, तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक फार्मूला छोटा सा बना दिया है जिससे आप आसानी से याद कर पाओ। ठीक है, क्या फार्मूला है जरा एक बार फिर से देख लो, मैंने कहा लव गुरु ये
रेड ब्लू देखेंगे और ब्राउन को प्रपोज करेंगे, ठीक है? ठीक है, हाँ, तो बस थोड़ा सा माइंड में एक दो बार आप माइंड में बोलोगे तो याद रहेगा, लव गुरु ये रेड ब्लू देखेंगे और ब्राउन को प्रपोज करेंगे, ठीक है? तो लव गुरु यानी एलजी लाइट ग्रीन, ए मतलब येलो, रेड ब्लू तो है ही है, डीजी मतलब डार्क ग्रीन हो जाएगा, देखेंगे मतलब डार्क ग्रीन, ऑरेंज मतलब और मतलब ऑरेंज हो जाएगा, ब्राउन तो ब्राउन है ही है, और प्रपोज मतलब पर्पल हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा अपने माइंड में बिठाओगे तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से आपको ये तैयार हो जाएंगी। अब हम लोग इनकी डिटेलिंग पर बात करते हैं जरा जरा सी, ठीक है? समझो जरा फिर। तो मैंने कहा लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस को हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं, क्लास 1 टू क्लास 8, ठीक है? इसमें से जो फर्स्ट 4 हैं उनको हम मानते हैं लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, सेकंड 5 टू 8 तक जो क्लासेस हैं उन्हें हम मानते हैं, लाइन फिर से बता दीजिए, लव गुरु ये रेड ब्लू देखेंगे और ब्राउन को प्रपोज करेंगे, ठीक है? इक्वेशन इंपॉर्टेंट, इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट बताई है यूएसएलए वाली, यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन जो वाटर इरोजन के लिए है वो इंपॉर्टेंट है, एयर वाली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहली आप ए बराबर आर के एल एस सी पी उसको याद कर ले, उसमें दो फैक्टर्स अक्सर पूछे जाते हैं, जो ए बराबर आर के एल, तो आर के आप दो दो फैक्टर जो हैं इरोजिबिलिटी और इरोडिबिलिटी कन्फ्यूज करता है, इसलिए वो दोनों आपस में मिक्स करवा के अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? इक्वेशन में सरनजीत मैंने बताया वाटर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो यहां मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं लव गुरु ये लाल नीली को देखेंगे और ब्राउन गर्ल को प्रपोज करेंगे, ठीक है? इतना कर सकते हो आप, इससे तैयार। अच्छा, मैंने क्या कहा, द फर्स्ट रिक्विसाइट टू कंजर्व लैंड कैपेबिलिटी में मैंने कहा द फर्स्ट रिक्विसाइट टू कंजर्व ऑफ द लैंड एंड फिट द क्रॉप टू कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, लैंड आर मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चर पॉस्चर फॉरेस्ट्री, द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और लिमिटेशन द लैंड आर ग्रुप्ड इन टू टू मेजर ग्रुप्स, मैंने दो मेजर ग्रुप्स में बांटा, एक तो लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, दूसरा लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है? लैंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन में मैंने क्या कहा, सच लैंड are used for agriculture or cultivation of crop, such land has 4 classes, मैंने बताई दिया था 4 classes होंगी, these 4 classes are differentiate on the basis of limitation, limitation के आधार पे बांटा गया है, जैसे वहां पर erosion कैसा हो रहा है, climate वहां कैसी है, water के characteristic कैसे हैं, और soil की water holding capacity कैसी है, और soil में nutrient कैसे हैं, इन आधार जिसमें जो agriculture के लिए नहीं अच्छी हैं, which All are not capable for supporting cultivation of crop. These land are used for growing grasses. अच्छा, इनका उपयोग बाद वाली चार का क्यों उपयोग किया जाएगा, घास उगाने के लिए, जंगल फॉरेस्ट्री के लिए, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इनको बांटा जाएगा। और इस प्रकार से 8 टोटल क्लासेस हो जाएंगी। पहली फर्स्ट 4 जो क्लासेस हैं, पहली 4 क्लासेस वो हैं कल्टीवेशन के लिए, और 5 से 8 तक जो क्लासेस हैं ना सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, लेकिन ये रेगुलर कल्टीवेशन यहाँ पर जो है सिर्फ किसका हो रहा है, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का हो रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है? रेगुलर कल्टीवेशन कहाँ होगा, पहली दूसरी और तीसरी क्लास में ही होगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ क्लास फर्स्ट की। क्लास फर्स्ट हमारी जो है, अब भाई देखो जितना मैं पीछे बढ़ता जाऊंगा, इससे ये ध्यान रखना, जितना मैं पीछे बढ़ता जाऊंगा उतनी क्वालिटी क्या होगी लैंड क्लासेस की, डाउन होती चली जाएगी। अगर मैंने क्लास फर्स्ट कहा, इसका मतलब क्लास फर्स्ट क्या है, बेस्ट है, ठीक है? बेस्ट है तो इसका मतलब हर चीज में क्या होगी, बेहतर होगी, एग्रीकल्चर के लिए एकदम भयंकर वाली अच्छी होगी, ठीक है? तो आप लोग देखते चलो क्या अच्छा है। यहां लिखा है कोई लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन, हेंस वेल सुइटेड फॉर इंटेंसिव क्रॉप, यहां पर सघन खेती के लिए सबसे बेहतर जमीन है ये, ठीक है? क्या है, यहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है ये। हैव परमानेंट इरिगेशन सिस्टम, मैंने कहा सब बेस्ट होना चाहिए, तो इरिगेशन सिस्टम यहां पर परमानेंट हो, सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, और अगर पानी ज्यादा बरस जाए तो ड्रेनेज की भी पूरी व्यवस्था है, वेल ड्रेन्ड लेवल लैंड, ठीक है? यानी पानी कम ना हो इसके लिए इरिगेशन की पूरी व्यवस्था है, और पानी ओवर ना हो जाए इसके लिए ड्रेनेज की भी पूरी व्यवस्था है, और जमीन की हाईली क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बेहतरीन है, जल को धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी है। सच लैंड नीड ओनली क्रॉप मैनेजमेंट, यहां पर अगर आपको अच्छी खेती करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी होंगी, और इसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और यहां पर फर्टिलाइजर, मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, इन सब का अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत बेहतरीन यहां पर एग्रीकल्चर हो सकती है। और ये हमारा देखने को क्लास फर्स्ट की एग्रीकल्चर, क्लास फर्स्ट वाली हमारी ज्यादातर एल्यूवियल सॉइल होती है, और एंडोगंगेटिक प्लेन्स में हमको ये जो फर्स्ट क्लास की जमीन देखने को मिलती है। अगर भारत में आप देखते हो तो एंडोगंगेटिक प्लेन में हमको ये देखने को मिल जाएगा। एंडोगंगेटिक प्लेन याद है ना, जब हम बात कर रहे थे भारत बनाए थे, आपको जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कुछ
ऐसा बना के दिखाया था, और ये वाला पोर्शन जो हमारा था पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन का था, ठीक है। यहां पर हमने इसको डिवाइड कर दिया था कुछ भागों में, या इसको हमने कहा था लोअर गंगेटिक, इसे कहा था मिडिल गंगेटिक, इसे अपर गंगेटिक, सॉरी इसे हमने कहा था अपर गंगेटिक मिडिल गंगेटिक, ठीक है, चार भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा ये गंगेटिक प्लेन है जो हमारा बेहतर रहता है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सॉयल आर एल्यूवियल, सॉयल आर इंडोगेटिक प्लेन, हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमारी ये रहेगी। तो यानी पहला में आपने क्या देखा कि बहुत बेहतरीन क्लास है, सेकंड वाली थोड़ा सा पहले वाली से अच्छी आएगी। तो पहले में हमने कहा कोई लिमिटेशन ही नहीं खेती करने के लिए, दूसरे में हमने क्या कहा, दूसरे में हमने कहा अच्छा बहुत हल्की सी लिमिटेशंस हो सकती हैं, हमने कहा यहां पर क्या मॉडरेट लिमिटेशंस व्हिच रिड्यूस चॉइस ऑफ क्रॉप। यहां पर आपको क्या होगा, हर फसल को आप नहीं लगा सकते हो, आपको चॉइस ऑफ क्रॉप यहां पर देखना पड़ेगा। लिमिटिंग फैक्टर यहां पर क्या हो सकते हैं, जैसे यहां पर स्लोप एक हो सकता है, जेंटल स्लोप हो सकता है, हल्का फुल्का इरोजन भी यहां देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्लाइमेट इन एडिक्वेट सॉयल डेप्थ देखने को मिल सकती है, लेस देन द आइडियल क्रॉप स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें वर्केबिलिटी स्लाइट, यहां पर देखो कुल मिला के आप सेकेंड क्लास में आप क्या देख रहे हो, सेकेंड क्लास में आप देख रहे हो जेंटल स्लोप दिक्कत है, मॉडरेट इरोजन हैजार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, इन एडिक्वेट सॉयल डेप्थ देखने को मिलेगी, लेस देन आइडियल सॉयल स्ट्रक्चर एंड वर्केबिलिटी देखने को मिलेगी यहां पर, यानी कुल मिला के यहां पर थोड़ी बहुत लिमिटेशन आपको देखने को मिल जाती है। और यहां पर आप जो है अगर आपको खेती करनी है तो थोड़ा सा रेड सॉयल और ब्लैक सॉयल, सेकंड क्लास में क्या आएगा रेड एंड ब्लैक सॉयल यहां पर आती है, आपको याद करने लायक चीजें सिर्फ मैं बताता हूं, फालतू की कहानी सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो सेकेंड में डीप रेड एंड ब्लैक सॉयल इसमें आ जाएगी, ठीक है। और यहां पर आपको अगर बात करूं क्रॉपिंग यहां पर करना है तो कंटूर टीलेस रोटेशन इन लेग्यूम्स और यहां पर ग्रास्ड वाटर भी, ये सब अगर लगाओगे तो बेहतर काम करेगा, ठीक है। पहली बात, सेकंड क्लास पहली से थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहां पर हल्का फुल्का इरोजन भी देखने को मिलता है, आपको जो क्रॉप चूज करने का ऑप्शन है वो आपके पास कम हो जाएंगे। रेड डीप रेड और ब्लैक सॉयल यहां पर इसका एक एग्जाम्पल हो सकती है। सॉयल कलर मैंने फर्स्ट में क्या बताया था याद रखना, पहले में मैंने कहा था लाइट ग्रीन, मैंने कहा था इसको जो डिनोट करता है वो कौन सा कलर करता है, लाइट ग्रीन से ये डिनोट की जाती है। दूसरी जो हमारी डिनोट होती है किससे डिनोट होती है, येलो से डिनोट होगी, ठीक है, येलो से डिनोट होगी। थर्ड क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड क्लास हमारी ये हमारी लास्ट है, ठीक है, यहां पर समस्याएं सेवर हो जाएंगी, लिमिटेशंस ज्यादा हो जाएंगी, यहां पर आपको इरोजन भारी देखना पड़ेगा, इरोजन बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, यहां पर एल्केलिनिटी सैलिनिटी एसिडिटी ये समस्याएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसमें सॉयल कौन कौन सी आ जाएंगी, सैलो रेड सॉयल है, स्लाइट है, सैलाइन ब्लैक सॉयल है, ये सब सॉयल्स इसमें आ जाएंगी। और यहां पर लेग्यूम्स वगैरह अगर घासे और लेग्यूम उगाओगे तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन करोगे तो थोड़ा सा बेहतर खेती कर सकते हो आप थर्ड वाले में, ठीक है। कलर मैंने क्या बताया था, कलर मैंने क्या बताया था, लव गुरु ये, हाँ ब्लू कलर इसका मैंने क्या बताया था, ब्लू, ठीक है, रेड सॉरी थर्ड का रेड है, फोर्थ का ब्लू है, थर्ड का मैंने बताया था रेड, ठीक है। अच्छा ये हमारा हो गया। फोर्थ अगर मैं बात करूं क्लास की तो ये वेरी सेव, यहां पर बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हो गई हैं, यहां पर आप खेती नहीं कर सकते हो, ठीक है, खेती नहीं कर सकते हो, खेती नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप यहां पर जो है जो हमारी पशुपालन है, पशुपालन के लिए यहां पर चारा वगैरह ये सारी चीजें आप लगा सकते हो यहां पर। तो ये हमारा जो है क्रॉप के लिए बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन हाँ देखो पास्चर और हे के लिए बहुत बेहतर, बेस्ट फॉर द पास्चर एंड हे। और यहाँ पर सैलो सॉयल सैलाइन सॉयल एल्कलाइन सॉयल ये सारी आ जाएंगी चौथी में। और पांचवीं से आठवीं तक आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, देखो पांचवीं हमारी पथरीली थोड़ी सी जमीन होगी, वहां पर आप सॉयल नहीं कर सकते हो, सॉयल कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो, वहां पर खेती तो एकदम नहीं कर सकते हो, आप वहां पर हल्का फुल्का पॉस्चर पांचवीं में भी कर सकते हो। छठी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चरवाहे के लिए और जंगल के लिए बेहतर रहेगी, सातवीं भी हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी रहेगी, और आठवीं हमारी बेस्ट रहेगी किसके लिए, आठवीं हमारी एकदम बेस्ट रहेगी किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। अच्छा अब अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए, मान लो मैं बताता हूं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखो सारी चीजें आप पढ़ लेते हो और क्वेश्चंस आपके नहीं समझ में आते, आपको आपसे अगर पूछा जाए बेस्ट सुटेबल क्लास फॉर द एग्रीकल्चर, तो भाई सब ये क्या हो जाएगी, पहली, पहली क्या है, बेस्ट है, ठीक है। अगला पूछा जाए बेस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर द पास्चर मैनेजमेंट, तो पांचवी को आप बताओगे
पाश्चर मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छी है। पाश्चर मैनेजमेंट यानी चारा उगाने के लिए, चारा के लिए पांचवी सबसे अच्छी है। अगर मैं कहूं वाइल्ड लाइफ के लिए और फॉरेस्ट के लिए तो आठवीं सबसे अच्छी है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे अच्छी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी आठवीं क्लास। यही तीन क्वेश्चन बनते हैं, बाकी कलर का क्वेश्चन बनता है और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, अच्छा है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो मैंने सारे कलर आपको बता दिए, जो क्वेश्चंस बनते थे वो सारा बता दिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करें, अब देखते हैं इसके बाद क्या है। कंजर्वेशन मेजर्स फॉर एग्रीकल्चरल लैंड आर ग्रुप्ड अंडर टू हेड। कह रहा है कंजर्वेशन अगर करना है एग्रीकल्चरल लैंड में तो दो तरीके से आप कंजर्वेशन कर सकते हो। पहला, क्रॉप मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ लैंड मॉइस्चर। पहला क्या कर सकते हो, जमीन के अंदर जो लैंड, जैसी जमीन है और जैसा वहां पर मॉइस्चर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, क्रॉप मैनेजमेंट करो। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स कर सकते हो। अगर आपको इरोजन को कम करना है तो दो तरीके के मेजर्स आप कर सकते हो कंजर्वेशन के लिए। पहला, क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हो आप, यानी लैंड और मॉइस्चर के अकॉर्डिंग वहां पर क्रॉप लगाओ। दूसरा आप कर सकते हो एग्रोनॉमिक एंड इंजीनियरिंग मेजर्स। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेजर्स आर, जो फैक्टर प्रभावित करेंगे मेजर्स को वो कौन कौन से हो सकते हैं, सॉयल कर सकता है, लैंड स्लोप कर सकता है, रेनफॉल कर सकता है, ये सब जो है प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं यहां पर। अब मैं पहला बात कर लूं एग्रोनॉमिक मेजर्स की। ठीक है, मैं बात करूं एग्रोनॉमिक मेजर्स की, जरा समझो। तो एग्रोनॉमिक मेजर्स में मैं पहला बात करूंगा, मैंने कहा आपको भूमि को बचाना है तो पहला मैंने कहा है क्या काम कर सकते हो आप, एग्रोनॉमिक मेजर्स। क्या कर सकते हो, एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स आप करोगे तो एग्रोनॉमिक मेजर्स कहां किए जाते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपसे बनता है, जहां पर स्लोप क्या होगा 2% से कम होगा। ठीक है, कहां किए जाएंगे, जहां ढाल जो है, जहां स्लोप जो है क्या होगा, लेस देन 2% होगा, लेस देन 2% होगा, वहां पर हम लोग एग्रोनॉमिक मेजर्स कर सकते हैं। एग्रोनॉमिक मेजर्स तभी किए जाएंगे जब स्लोप क्या होगा, लेस देन 2% होगा, एंड इरोजन प्रॉब्लम्स आर नॉट सेवर। और दूसरा कहां पर किए जाएंगे साथी, इरोजन प्रॉब्लम्स, इरोजन प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आर नॉट सेवर, यानी बहुत खतरनाक नहीं है। ठीक है, बहुत खतरनाक समस्या नहीं है और ढाल 2% से कम है, तो हम एग्रोनॉमिक मेजर्स करके चीजों को सही कर सकते हैं। और एग्रोनॉमिक मेजर्स में अगर मैं, अच्छा, मेजर्स हेल्प कैसे करेंगे, देखो पहला ही, हेल्प कैसे करेंगे, हेल्प कैसे करेंगे, पहला तो इंटरसेप्ट रेन ड्रॉप एंड रिड्यूस द स्प्लैश इफेक्ट। ठीक है, ये कैसे एग्रोनॉमिक मेजर्स क्या कर सकते हैं, कैसे हेल्प करेंगे, पहला क्या करेंगे, इंटरसेप्ट कर देंगे, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट रेन ड्रॉप्स एंड रिड्यूस स्प्लैश इरोजन। अब आपको समझना होगा इसमें दो शब्द, कौन कौन से दो शब्द, पहला तो ये स्प्लैश इरोजन क्या है, और इंटरसेप्ट मैंने अभी बता दिया था तो शायद आप लोगों को पता हो, फिर भी मैं फिर से बता दूंगा। स्प्लैश इरोजन का सीधा मतलब है, इसे अगर देखोगे तो भाई साहब मान लो ये हमारी एक भूमि है। ठीक है, इस भूमि में कई सारे हमारे, ये हमारी भूमि के अंदर कई सारे मिट्टी के कण पड़े हुए हैं। एक बरसात हुई और एक भाई साहब बूंद हमारा, ये हमारा बूंद आ रहा है मिट्टी की तरफ। ठीक है, ये बूंद आया और मिट्टी पर गिरा ये। ठीक है, मिट्टी पर गिरा तो जहां पर ये गिरा था यहां पर जो कण मिट्टी के थे वो क्या हुए, छितर कर इधर उधर हो गए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया स्प्लैश इरोजन। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा कहलाता है स्प्लैश इरोजन। यानी ये हमारा एक टपकने से बूंद को, एक बूंद के टपकने से क्या हुआ, जो मिट्टी के कण अपने स्थान को छोड़ दिए, अपने स्थान को छोड़ दिए, इसे हम कहेंगे स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन ड्यू टू द रेन ड्रॉप। हाँ ठीक है, बूंद बूंद आई, बूंद की वजह से मिट्टी के कण अपना स्थान छोड़ दिए, ये हो गया स्प्लैश इरोजन। अब इंटरसेप्ट क्या है, मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमने यहां पर क्रॉप लगा दी, एग्रोनॉमिक मेजर्स में आप क्या करोगे, कोई ना कोई फसल लगा दोगे, मान लो यहां आपने फसल लगा दी है, अब ये क्रॉप आई और क्रॉप मतलब
बूंद आई, और बूंद क्या हुआ, पहले पहली बात तो यहां गिरी, तो कुछ तो यहीं अटकी रह जाएगी और यहीं से उड़ जाएगी, सूख जाएगी। और यहां गिरने के बाद, यहां पर गिरने के बाद मान लो जमीन पर आएगी भी, तो इसकी क्या हो जाएगी, गति स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिससे मिट्टी को अपने स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करेगी और धीरे से गिरेगी। अब सोचो जहां से बरसात हो रही है, 8-10 किलोमीटर ऊपर बादल बना, वहां से बूंद चलकर आ रही हो, जमीन पर गिर रही है, तो उसका दबाव ज्यादा होगा और वो मिट्टी को ज्यादा दूर तक भेजेगी। ठीक है, वो इरोजन ज्यादा करेगी। लेकिन पेड़ लगे हैं तो वो क्या करेंगे, रेन ड्रॉप्स को इंटरसेप्ट कर देंगे, बीच में रोक लेंगे, और कई बार तो वो जमीन तक पहुंचने भी नहीं देंगे, और वो जमीन तक अगर पहुंचेंगे भी तो उसकी स्पीड को तो कम से कम डाउन कर देंगे। और इस प्रकार से पहला कारण हो गया एग्रोनॉमिक मेजर्स में कि ऐसे जो है प्लांट हेल्प कर देंगे मृदा कटाव को रोकने में। पहली बात समझ में आ गई, बता दो। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो दूसरा कह रहा है, टू ऑप्टेन अ बेटर इनटेक ऑफ वाटर रेट बाय इंप्रूविंग द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं फसल प्रबंधन करेंगे, तो दूसरा मैंने कहा जब क्रॉपिंग मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न हमको बनाना है, तो हम क्रॉपिंग पैटर्न कैसा बनाएंगे, क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा बनाएंगे जिससे क्या हो, मृदा में क्या हो, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बनी रहे। हम क्या करते हैं, लेग्यूम्स उगाने का प्रयास करते हैं, दलहनी फसलें उगाने का प्रयास करते हैं, तो पहली बात तो दलहनी फसलें की जड़ें ऐसी होती हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, दूसरा क्या होगा, सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बढ़ा कर रखती हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जब किसी मिट्टी में ज्यादा होता है, सॉयल का स्ट्रक्चर बेहतर रहता है, सॉयल का स्ट्रक्चर बढ़िया रहता है, बेहतर रहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की, क्या होगा, वाटर को इनटेक करने की क्षमता बढ़ जाएगी मिट्टी की, और ये हमारा मृदा इरोजन को रोक देगा। जब रन ऑफ नहीं होगा तो मृदा इरोजन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, टू रिटार्ड एंड रिड्यूस द ओवरलैंड रन ऑफ थ्रू द यूज ऑफ। अच्छा, हम यहां क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं किसको, रन ऑफ को कम कर सकते हैं, या रिड्यूस कर सकते हैं किसको, रनऑफ को। कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला इन्होंने कहा कि भाई साहब हम करेंगे क्या, कंटूर कल्टीवेशन के थ्रू कम कर सकते हो, या दूसरा इन्होंने कहा कि भाई साहब हम मल्चिंग के द्वारा हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कंटूर कल्टीवेशन या मल्चिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम एग्रोनॉमिक मेजर्स के माध्यम से कम कर सकते हैं किसको, कंटूर कल्टीवेशन या मल्चिंग के द्वारा हम कम कर सकते हैं किसको, एग्रोनॉमिक मेजर्स के माध्यम से सॉइल के इरोजन को। ठीक है, अब आपको समझना है भाई साहब ये कंटूर कल्टीवेशन क्या है। ठीक है, अब आपको समझने की क्या आवश्यकता है कि ये कंटूर कल्टीवेशन आखिर है क्या। ठीक है, अच्छा, कंटूर कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो जरा समझो, कंटूर कल्टीवेशन भाई साहब और कुछ नहीं है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अलोंग द कंटूर्स ऑफ अ स्लोप, इट हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस, कंजर्व द सॉइल एंड वाटर। समझो, मैं समझाता हूं एक एक चीज को, तब आपको समझ में आएगा बेहतर। कंटूर कल्टीवेशन ढाल है, ठीक है, ढाल है, मान लो ये हमारी कुछ ऐसी ढाल थी, ये मान लो हमारा ऊंचाई पे हम खेती कर रहे हैं, ढाल हमारी यहाँ ज्यादा है, ढाल ज्यादा होगी तो इरोजन ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमको अगर खेती करनी थी तो हमने क्या किया, यहां पर ढाल को हमने बांट लिया कुछ ऐसे, ठीक है, एक सेकेंड, इस ढाल को हमने कुछ बांट लिया ऐसे, कलर चेंज करेंगे तो आपको बेहतर दिखेगा। अच्छा, इस ढाल को हमने कुछ ऐसे बांट लिया है, ठीक है, स्लोप्स में जब बांट लिया, खेती कहां पर करेंगे हम, इसमें खेत हमको लगाना है तो हम लगाएंगे यहां पर हमने खेती की, ठीक है, यहां पर हमने खेती की है, यहां पर हमने खेत लगा दिए, यहां पर हमने खेत लगा दिए। जब यहां पर हम खेत लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे हमारा इरोजन काफी हद तक कम हो जाएगा, ढाल पर मिट्टी बह जाती थी बड़े पैमाने पर, लेकिन यहां पर हमारा काफी हद तक बच जाएगा। कैसे बच जाएगा, जरा देखो, कंटूर कल्टीवेशन से क्या फायदा होगा, पहला फायदा होगा कंजर्व हो जाएगा सॉइल एंड वाटर। यहां पर क्या हो जाएगा, पहला फायदा क्या हुआ, कंजर्व होगा, सॉइल भी बचेगी और वाटर भी बचेगा, ऐसे पानी सीधे बह जाता ढाल से, नुकसान हो जाता, और सॉइल भी हमारी पानी के साथ बह जाती तो वो भी नुकसान होता, सॉइल और वाटर दोनों का कंजर्वेशन होगा पहली बार। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी कंजर्व होगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, कंजर्व होगी, बची रहेगी। जब मिट्टी बह जाती, ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती, तो सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ऊपरी सतह में ही उर्वरा शक्ति पाई जाती है। ठीक है, तीसरा, उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा, यील्ड भी हमारी क्या होगी, इससे इंप्रूव हो जाएगी। चौथा, मच लेस पावर रिक्वायर्ड, यहां पर जो है पावर
कम खर्च होगी, बिजली कम खर्च होगी, सिंचाई उचाई के लिए सब व्यवस्था से हम अगर करेंगे। पांचवा, पानी भी यहां पर कम चाहिए तो यहां पर वाटर भी कम चाहिए, वाटर कम चाहिए, ठीक है, यूज कम होगा पानी का, ठीक है, ये हमारा एक फायदा है। और कंटूर फार्मिंग हमारा जो है उबड़ खाबड़ भूमि में कठिन हो जाती है। यहां पर नुकसान सिर्फ इसका इतना है, नुकसान सिर्फ क्या है कि अंडुलेटेड सॉयल में जो हमारी उबड़ खाबड़ भूमि होती है कठिन हो जाती है, यहां पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया तो बताओ जरा आप लोग। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, पहला हमने कंटूर कल्टीवेशन को डिटेल में बेहतर तरीके से समझ लिया है। ठीक है, और कहां पर ये बेहतर होगी ये भी समझ लो, जहां पर 8% तक ढाल है। कंटूर कल्टीवेशन कहां करेंगे, जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बन रहा है, कंटूर कल्टीवेशन कहां करेंगे, 8% जहां पर 8% तक ढाल है, 8% तक जहां स्लोप है वहां पर ये बेहतर काम करेगा हमारा क्या, कंटूर कल्टीवेशन। ठीक है, चलो इसके बाद हम दूसरा करते हैं मल्चिंग। मल्चिंग को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बड़ा टॉपिक है, चूंकि एक दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको मल्चिंग भी पढ़ना है, फिर इफेक्ट ऑफ मल्चिंग पढ़ना है, फिर टाइप ऑफ मल्चेस पढ़ना है, बहुत अलग अलग प्रकार के मल्च होंगे, सॉयल मल्च है, स्टबल मल्च है, स्ट्रॉ मल्च है, प्लास्टिक मल्च है, वर्टिकल मल्च है, ठीक है, और ये हमारा बेहतर तरीका होगा। इसके बाद हम लोग आगे और भी बहुत सारे हैं, दो ही मेजर्स नहीं पढ़ेंगे एग्रोनॉमिक में हम लोग, जो हमने पहला बताया कि कंटूर और मल्चिंग, इसके बाद हम लोग डेंस ग्रोइंग क्रॉप पढ़ेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे मेजर्स हम लोग पढ़ेंगे, और विंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, उसमें स्ट्रिप में बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, फिर हम लोग मैकेनिकल मेजर्स में जाएंगे, और मैकेनिकल मेजर्स के बाद कंजर्वेशन मेजर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार होंगे, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे, कल हम लोग मल्च से फिर स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। थोड़ा सा क्लास को शेयर किया करो, और बाद में थोड़ा बहुत जो कमेंट करते हो पढ़ के थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग वो काम भी करते रहा करो, जो जहां ना समझ में आए या जो जहां पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो उसको बता दोगे तो हमें बड़ा मजा आता है उस सब पढ़ के। ठीक है, आज के लिए इतने रखें फिर हम लोग, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं तो क्लास को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव लिए जनरल एग्रीकल्चर बुक, अगर आप प्रीवियस पेपर्स लगाना चाहते हो तो एक बुक आती है, चलो मैं बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव अगर आपको लगाने हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो देखो एक बेसिक बुक है जो आप सब लोग सबके पास लगभग एग्रीकल्चर के हर स्टूडेंट के पास होती है, एसआर कांतवा, वो आप रख सकते हो। ठीक है, दूसरा इसके अलावा एक बहुत अच्छी बुक आती है एग्रीवर्ल्ड, सुरही पब्लिकेशन में आती थी पहले, अब मुझे पता नहीं पब्लिकेशन बदल गया है या नहीं, एग्रीवर्ल्ड एक बुक आती है, इसमें प्रीवियस पेपर्स रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स रहते हैं इसमें, और बहुत अच्छी किताब है। थोड़ा सा इसमें बस यही दिक्कत है कि एग्रीवर्ड में जो आंसर्स हैं वो जस्ट क्वेश्चन के बगल में दिए हैं, जैसे लास्ट में देते तो बहुत बढ़िया रहती, लेकिन ये किताब बहुत अच्छी है, इसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है और प्रीवियस पेपर से जुड़ा हुआ है। अगर आप राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, पंजाब एडीओ के सारे पेपर इसमें मिल जाएंगे, राजस्थान के जो आरएईओ के एग्जाम आते हैं, एमपी के आरएईओ के जो एग्जाम आते हैं, सारे प्रीवियस पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे, वो बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा और एक आती है एग्री विजार्ड, जो आप अक्सर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो जो है कंपटीशन के लिए जो थोड़ा ज्यादा हो जाती है एग्री विजार्ड। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एग्री वर्ल्ड आपके लिए बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, पानी कम लगेगा क्योंकि वैसे सिंचाई हमको अगर करनी है सीधी ढाल पे, अगर हम सिंचाई करेंगे तो पानी क्रॉप को मिल नहीं पाएगा ना, वो पानी बहकर नीचे चला आएगा। ठीक है, इसलिए हमको कम पानी देना पड़ता है, और कम पानी से हम पूरे खेत की सिंचाई आसानी से कर पाते हैं, और उसी के लिए हमारी पावर भी कम खर्च होती है। ठीक है प्रियदर्शनी, और कोई समस्या बताओ, और कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जो था वो तो फिर भी बेसिक था, और बेसिक में जितने क्वेश्चंस बनते थे मैंने हर तरीके से आपको बता दिया, जहां जहां से क्वेश्चन जैसे जैसे बनता है, और ये मैंने अब सोचा है कि ये चूंकि कॉन्सेप्ट की क्लास है और हर जगह से फैक्ट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो जहां भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहे होंगे मैं साथ में क्लास के डिस्कस कर दिया करूंगा। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार क्लास में जुड़े हैं वो रेगुलर रहें क्लास में, शाम को 7 से 8 आपको एक क्लास रेगुलर मिलती है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग जुड़े रहें। और ठीक है, इतने रखते हैं आज के लिए,